नमस्कार, मैं अजीत और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चहेते फार्मिंग चैनल विश्वाल फार्म में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो हमारा हरमन 99 एप्पल प्लांट है उसको हम प्रूनिंग कब करें और प्रूनिंग करने के बाद हम जो है क्या क्या उसका जतन लें। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल में नए हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएँ ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। और जैसा कि ये पौधा जो देख रहे हैं ये लगभग एक साल हो गया है, और जब प्लांटेशन के समय मेरा पहला वीडियो हरमन 99 के ऊपर था और आज ये दूसरा वीडियो है जो कि हम प्रूनिंग करने जा रहे हैं। तो आज डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी और देखिए कितना अच्छा ग्रोथ भी हो गया है एक साल में। और लगभग जो प्रूनिंग करने का समय है ये दिसंबर महीना अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभी प्रूनिंग करने के बाद जो कि जनवरी लास्ट में या फरवरी में जो फ्लावरिंग आता है उससे अच्छा फ्रूट मिलता है। हालांकि कोई कोई पौधे में ये दिसंबर में ही फ्लावरिंग आ जाता है, लेकिन वो फ्लावर जो कि इतना मैच्योर नहीं होता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो कि हमारा 37 गुआभा का फील्ड है, और उसके सामने जो कि आप देख सकते हैं ये जो कि एप्पल प्लांट है हरमन 99 का, और साथ ही कुछ डोर्सेट गोल्डन का और कुछ अन्ना का, ऐसे करके जो कि 25 पौधा मैं लगाया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है, 6 फीट 6.5 फीट के आसपास भी जो है ग्रोथ हो गया है। तो अभी जो है मैं आपको इसका प्रूनिंग करके सही तरीके से दिखाता हूँ। और एप्पल प्लांट प्रूनिंग के टाइम जो है हमें खाद का भी प्रयोग करना चाहिए और कुछ फर्टिलाइजर भी देना है। जैसे कि पहले हमें सर्कल करके एक रिंग बनाना है और उसी वहाँ से मिट्टी निकाल देना है, और उसके ऊपर जो कि हमें देसी खाद या फिर भर्मी कंपोस्ट जो कि 4 से 5 किलो प्रति पौधा देना है, और साथ ही जो है NPK यूज करना है जो 18:18 है 50 से 60 ग्राम। अगर आप NPK नहीं दे रहे हैं तो जो है सुपर या DAP 50 ग्राम और साथ ही पोटास 25 ग्राम दे करके जो है उसके ऊपर जो है हमें मिट्टी दे करके फिर लेवल बना देना है। प्रूनिंग करने के लिए तो हमें एक अच्छा सिकचार चाहिए पहले। और पौधे को देखिए, पौधे जो कि तो हाइट तो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गया है, मेरे से भी ज़्यादा हाइट हो गया है 6 फीट। तो इसको हम क्या करेंगे, लगभग 4.5 फीट 5 फीट के अंदर ही हम जो है प्रूनिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम जो है लगभग इस पौधे को पूरा काट देंगे, और काटते समय हर समय टेढ़ा ब्लेड से जो है हमें काटना है। ये देखिए और इसके ऊपर अभी जो है हम ब्लू कॉपर यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो पेस्ट बना के इसके ऊपर दे देंगे ताकि इसमें जो है कोई भी फंगस ना लगे। और अभी जो कि जहाँ पर हम ब्रांचेस को कट किए हैं वहाँ पर जो है ब्लू कवर यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो पेस्ट बनाए हैं उसके ऊपर हम दे देंगे ताकि किसी भी प्रकार का जो है फंगस इसमें अटैक ना हो पाए, जिससे कि हम पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब जो है हम नीचे की तरफ 2 से 2.5 फीट तक जो है ये पेस्ट को देंगे ताकि नीचे की तरफ से भी कोई ज़्यादा इसमें फंगस ना हो। तो प्रूनिंग करने के बाद हमें जो है तुरंत ही ब्लू कॉपर का पेस्ट यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।